इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली के राणा प्रताप बाग बाजार में, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं। जहां एक तरफ आज किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया था, वहीं आज उत्तरी दिल्ली के इस बाजार में सभी छोटे व्यापारियों ने दुकान खोले रखी। वहीं इस दौरान व्यापार मंडल राणा प्रताप बाग एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों से बात करने पर ये पता चला, उन्होंने अपनी जानकारी में भी बताया कि बाजार बंद करना इसका समाधान नहीं है और कोरोना काल के बाद आई मंदी के चलते दुकान खोलना अनिवार्य हो गया है। अरुण नागपाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष राणा प्रताप बाग। सर, आज भारत बंद है और भारत बंद किसानों द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में कई मार्केट बंद हैं, कई एसोसिएशनों ने दुकानें बंद की और कई जगह दुकानें देखने को खुली मिल रही हैं, जिसका मिला जुला असर देखा जा रहा है। इस क्रम में राणा प्रताप बाग व्यापार मंडल की ओर से आप लोग का क्या फैसला है? क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है, वो जो बैठे हैं अपना घर छोड़ के बैठे हैं, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। मगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिल के सारी बातों का हल निकल सकता है बैठ के। तो दूसरा क्या है, जो हमारी मार्केट जो खुली है, क्योंकि व्यापार नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, इसलिए एक मार्केट में जान भी नहीं है, इसलिए कुछ छोटे छोटे दुकानदार हैं, बस रोटी खा रहे हैं। तो आप लोग आज दुकान खोल रहे हैं? आज हमने मार्केट खोली है और हमने किसी को कहा ही नहीं था मार्केट बंद करने के लिए। मैं जेके डावर, महासचिव व्यापार मंडल राणा प्रताप बाग। डावर साहब, आज भारत बंद है जी, ऐसे में राणा प्रताप बाग व्यापार मंडल से क्या फैसला है मंडल का? दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी, क्या आप लोगों का फैसला है? इम्तियाज भाई, हम एक व्यापारी वर्ग को बिलोंग करते हैं और हम लोग किसानों के साथ हैं। किसान आज फसल उगाता है तो हमारी दुकानों पर माल आता है बिकने के लिए। हमने किसानों का कभी भी अपोज नहीं किया है, ना हम सरकार के खिलाफ जाना चाहते हैं। सो हमने फैसला किया था कि हम आज दुकानें खुलवा के रखेंगे अपनी मार्केट की, लेकिन हम किसानों के साथ भी हैं, इसका मतलब ये नहीं किसानों के अपोजिट हैं हम लोग। डाबर साहब, काफ़ी आज मार्केट एसोसिएशन बंद हैं जी, और उनका कहना है कि जो भी ये मांगे किसान मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए जी, तो इस पर आप लोग का क्या कहना है? सर, मेरा ये मानना है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है, हमारी तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से ये अपील है मोदी जी को, जो हमारे सर्वमान्य प्रधानमंत्री जी हैं भारत देश के, कि वो किसानों को, जो उनके प्रतिनिधि यहाँ दिल्ली में आके बैठे हुए हैं, सारे बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, वो उनको बुलाएं, अपने पास बुला करके उनके साथ उनको समझाएं, अपने पूरे बिल का मुद्दा समझाएं कि हमारे बिल में ये आपके लिए प्रावधान है, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। अगर किसान समझने को तैयार नहीं है तो उसमें अगर वो कुछ कहते हैं कि इसमें आप ये लाइन जुड़वा दीजिए या ये प्लस करवा दीजिए, तो वो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो करवा दें। इसके लिए इतनी बड़ी मुद्दा बनाने वाली कोई इशू नहीं है। किसान भी देखिए अड़ा हुआ है इस समय। किसान आपने साथ अनाज और सब लेके आया है, लोग बाग सेवा कर रहे हैं बॉर्डर्स पर जा करके, तो इसमें मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो इससे आम जनता प्रभावित हो रही है उसको बचाना चाहिए। सर, आम जनता प्रभावित बहुत हो रहा है, आप देख रहे हैं, सिर्फ बीमारी चल रही है, बीमारी के अंदर किसी ने कहीं जाना है आना है तो उसको बहुत परेशानी है सर। तो आप लोग मार्केट आज खोल रहे? आज मार्केट खुलवा रखी है सर हमने, क्योंकि वैसे भी मंदी बहुत है व्यापार में सर, बहुत मंदा है इस समय, और मंदे को देखते हुए हमने किसी दुकानदार से कंपेल नहीं किया कि दुकानें बंद रखी है। पीछे 4 महीने आदमी ने बहुत मंदी झेली है सर, दुकानें बंद रखी हैं अपनी, आदमी को उठने में बहुत समय लगेगा उस व्यापार से।